शिवहर में जिला परिषद के अध्यक्ष विजय कुमार सिंह उर्फ छोटू विजय के विजय जुलूस में हर्ष फायरिंग होने से दो लोगों को गोली लगी है, जिसमें एक बच्चा और एक महिला शामिल है। महिला की स्थिति चिंताजनक होने के कारण मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया है। गोलीबारी की सूचना पर पुलिस ने तुरंत घायलों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। घटनास्थल से पुलिस ने 3 खोखा बरामद किया है, जिसकी पुष्टि शिवहर के SDPO संजय कुमार पांडे ने किया है। SDPO ने बताया कि जिला परिषद अध्यक्ष बनने के बाद विजय कुमार सिंह के जुलूस में फतेहपुर के पास फायरिंग की गई, जिसमें दो लोगों को गोली लगी है। गोली लगने से फतेहपुर निवासी रंभा देवी और उसकी नाती ओम प्रकाश, जो राजाडी तरियानी का बताया जा रहा है, नानी और नाती दोनों घायल हैं। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद इश्तियाक अली अंसारी, SDPO संजय कुमार पांडे पहुँच चुके हैं। क्या घटना हुई है? आज जिला अध्यक्ष का चुनाव था, उस चुनाव के बाद अध्यक्ष विजय सिंह अपने कुछ लोगों के साथ जा रहे थे। ऐसी सूचना है कि फतेहपुर के पास जुलूस से गोली चलाई गई है, जो एक औरत को एक बच्चे को लगी है, लेकिन प्रथम दृष्टया अभी गोली लगी है या नहीं लगी है इस संबंध में चिकित्सक अभी जांच कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। लोगों के द्वारा बताया गया कि फायरिंग हुई है। घटनास्थल से 3 गोली का खोखा भी बरामद किया गया है। ये प्रमाणित करता है कि वहां पर गोली चली है और चिकित्सक के द्वारा इलाज के पश्चात ही मालूम चल पाएगा कि गोली जहां लगी है वो कितना गंभीरता की। महिला एक रेफर होने की बात बताई जाए। हाँ, एक महिला को भी लगी है, एक छोटा बच्चा है 10 साल का। महिला का क्या नाम है सर? रंभा देवी नाम है। बच्चा का? बच्चा छोटा है, उसी का फतेहपुर के रहने वाली है, फतेहपुर की ही रहने वाली है। ये रोड के किनारे खड़ी थी, उसी दौरान घटना घटी। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।